प्रयागराज में जो मुस्लिम हॉस्टल है उस पर भी पुलिस ने छापेमारी की है। एक बार फिर पूरे हॉस्टल को सील किया जा रहा है। इसी हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में शूटरों की मीटिंग हुई थी। जो मुख्य साजिश करता है सदाकत खान, इसी मुस्लिम हॉस्टल के कमरा नंबर 26 में रहता है। हत्याकांड के बाद सदाकत खान यहां से फरार हो गया और उसे गाजीपुर से एसटीएफ ने हिरासत में लिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी हॉस्टल के कमरा नंबर 36 की। उमेश पाल हत्याकांड के बाद ये मुस्लिम हॉस्टल अब सीज किया जा रहा है, क्योंकि इसी 36 नंबर कमरा नंबर 36 में सदाकत खान अपने साथियों के साथ यहां पर मीटिंग कर रहा था और उमेश पाल के जो हत्याकांड में शामिल थे यहां पर आकर के मीटिंग की थी। उसके बाद सदाकत खान यहां से फरार हो गया था। तो आज पूरे मुस्लिम हॉस्टल को यहां पर सीज किया जा रहा है। इसके जो कमरे हैं वो पूरे सीज किए जा रहे हैं। अब पूरे हॉस्टल को अब पुलिस प्रशासन ने यहां सीज कर दिया है। पुलिस फोर्स है और यहां पर सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं पुलिस यहां पर है और कमरा नंबर 36 है जहां पर इसी कमरे में सदाकत खान रहा करता था और इसी कमरे में वो साजिश रची गई थी हत्या करने के बाद। यहाँ पर हत्या करने से पहले यहाँ पर मीटिंग की गई और इसके बाद सदाकत खान फरार हो गया था। अब यहाँ पर पूरे हॉस्टल को हम दिखाना चाहेंगे। ये कमरे हैं और सारे कमरों को यहाँ पर सीज किया जा रहा है। पुलिस आ रही है और जो फोर्स है वो एक एक कमरे को यहाँ पर सीज करेगी और ये बड़ी कार्रवाई प्रयागराज में देखने को मिल रही है। पूरे इन कमरों को यहाँ पर सीज किया जा रहा है। ये मुस्लिम हॉस्टल है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है और ये पूरे हॉस्टल को आज सीज कर दिया जाएगा। ये बड़ी कार्रवाई प्रयागराज प्रशासन ने यहाँ पर की है। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।